आज हम करेंगे पालक सूप। इसके लिए लगने वाली सामग्री है 2 कप धोकर चॉप किया हुआ पालक, 1 छोटा बारीक कटा प्याज, 1/2 कप फ्रेश नारियल का दूध, 1 कप वेजिटेबल स्टॉक, 5 लहसुन की कलियां, 1 टेबलस्पून बारीक कटे हरे धनिया के स्टेम्स, 1 टेबलस्पून बटर, 1 तेज पत्ता, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक। हाई फ्लेम पर पैन रखकर उसमें बटर डालेंगे। बटर गर्म होने के बाद इसमें तेज पत्ता, प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक पका लेंगे, लहसुन और हरे धनिया के स्टेम ऐड करेंगे, इससे सूप का टेस्ट बढ़ेगा। प्याज थोड़ा पक चुका है, अब इसमें बारीक कटा पालक डालकर मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हाई है। वेजिटेबल स्टॉक ऐड करेंगे। मार्केट में वेजिटेबल स्टॉक के क्यूब मिलते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। दी हुई सामग्री के लिए वेजिटेबल स्टॉक का 1 क्यूब ही काफी है। पालक को स्टॉक में 3 मिनट पका लेंगे। स्वादानुसार नमक ऐड करें। वेजिटेबल स्टॉक के क्यूब में पहले से ही नमक होता है। अगर आप वेजिटेबल स्टॉक का क्यूब यूज करने वाले हैं, तो नमक चेक करने के बाद ही डालें, वरना सूप सॉल्टी हो जाएगा। 3 मिनट हो चुके हैं, पालक पक चुका है। इसमें से तेज पत्ता निकाल देंगे और मिश्रण को ठंडा होने रखेंगे। ठंडे हो चुके पालक को मिक्सी जार में निकाल कर फाइन पेस्ट बना लेंगे। इस तरह अब इस पेस्ट को छान लेंगे, इससे पालक प्यूरी स्मूथ होगी। प्यूरी छान कर रेडी है। हाई फ्लेम पर पैन रखकर इसमें पालक प्यूरी डालेंगे। आपको सूप जितना गाढ़ा या पतला चाहिए, उस हिसाब से पानी ऐड करें। सूप बॉईल हो चुका है, इसमें काली मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। सूप को 2 मिनट पका लेंगे। सूप अच्छे से बॉईल हो चुका है। गैस की फ्लेम बंद करके नारियल का दूध ऐड करेंगे। नारियल का दूध डालने के बाद पकाना नहीं है। नारियल का दूध बनाने के लिए मिक्सी जार में 1/2 कप फ्रेश कद्दूकस किया हुआ नारियल और 3/4 कप गुनगुना पानी डालकर पेस्ट बना ले और इसे छान ले। नारियल का दूध रेडी हो जाएगा। अगर आपको वेजिटेबल स्टॉक और कोकोनट मिल्क की रेसिपी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सूप रेडी है। फ्रेश क्रीम से गार्निश करके गर्म ही सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।